सांगली महापालिका निवडणुकीसाठी पोलीस यंत्रणेची तयारी सुरू झाली असून नागरी हितास बाधक असणाऱ्या महापालिका क्षेत्रातील गुन्हेगारांवर तडीपारी तसेच ताणबद्धची कारवाई केली जात असून अनुचित प्रकार रोखण्यासाठी रात्रीच्या गस्तीतही वाढ करण्यात आली आहे. तीन शहरात CCTV माध्यमातून उमेदवारांच्या हालचालीवर वॉच राहणार असून निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आणखी 5 टोळ्यांवर हद्दपारीचा प्रस्ताव ठेवण्यात आल्याची माहिती पोलीस अधीक्षक सुहेल शर्मा यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी निवडणूक काळात लागणाऱ्या बेकायदा डिजिटल फ्लेक्सबाबत महापालिकेशी समन्वय साधून कोणताही फलक महापालिकेच्या परवानगीशिवाय लागणार नाही याबाबत डिजिटल प्रिंटिंग करणाऱ्या चालकांना सक्त ताकीद देण्यात आली असून परवानगीशिवाय एकही डिजिटल शहरात लागणार नाही आणि लागले तर डिजिटल प्रिंटिंग करणाऱ्या प्रेसवर कारवाई केली जाईल असा इशाराही पोलीस अधीक्षक सुहेल शर्मा यांनी दिला आहे. सांगली मिरज कुपवाड कॉर्पोरेशन इलेक्शनची डेट 1 ऑगस्ट निर्धारित केलेली आहे आयोगने. उसके संदर्भ में हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस पूरी तयार है और हमने अलग अलग लेवल पे अलग अलग प्रिकॉशन्स और इंस्ट्रक्शंस अपने ऑफिसर्स को दी हैं. PI लेवल, SDPO लेवल, बीट ऑफिसर्स, मेरे ऑफिस से हर हम लोग डायरेक्टली इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं. किसी भी तरीके का इलेक्टोरल ऑफेंस, किसी भी तरीके का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन, आचार संहिता का वायलेशन हम CCTV से मॉनिटर कर रहे हैं और उसके ऊपर उसके अकॉर्डिंगली कार्रवाई करने का हमारा प्लान है. जो लोग जो गुनहगार जो हमारे यहाँ पर हैं अभी सिटी में जो एक्टिव हो सकते हैं उनके ऊपर नज़र रखी जा रही है. ऑलरेडी काफ़ी वक्त से पिछले 4 महीने से हम इसकी तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं, इसलिए हमने काफ़ी लोगों को तड़ीबार स्थानबद्ध ऑलरेडी कर चुके हैं. पर जो हमें अपने एरिया में जो संशयित लग रहे हैं, सस्पेक्ट लग रहे हैं, उनके ऊपर हम स्ट्रांगली एक्शन लेंगे. और मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि ये हमारी जो इलेक्शंस है एकदम पीसफुल इन्वायरमेंट में, जिसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन बोलते हैं, बिना किसी डर से बहुत अच्छे से इलेक्शन होंगे, इसकी मुझे 100%. सर लास्ट वो डिजिटल के लिए क्या प्रिकॉशन लिया है डिजिटल बोर्ड के बारे में? डिजिटल फ्लेक्स बोर्ड्स के बारे में हमने कॉर्पोरेशन के साथ हमारा जो इंटरेक्शन हुआ है उस पर हमने ये निर्धारित किया है कि जो कॉर्पोरेशन जिन को NOC देती है वो जो इलीगल बोर्ड्स जो हैं वो नहीं लगेंगे. जिन को NOC दिया जाता है वो फ्लेक्स प्रिंटर्स ये निर्धारित करें कि जो प्रिंट वो बना रहे हैं उसके ऊपर कॉर्पोरेशन का NOC है. अगर वो नहीं है और वो आपत्तिजनक बोर्ड है तो उसके बाद फ्लेक्स प्रिंटर्स के ऊपर हम डायरेक्टली एक्शन लेंगे. इसलिए उनको वही बोर्ड बनाने चाहिए जिसके ऊपर कॉर्पोरेशन का लीगल परवानगी है. धन्यवाद.